ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਆਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਆਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਚਾਬੀ ਗਵਾ ਗਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਆ ਗਿਆ ਸਰ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਆ ਗਿਆ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੱਕ ਨਾ ਖੋਲਣੀਆਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ ये जो शख्स यहाँ सामने बैठा है आज आपके जी हर इंसान का बचपन होता है बचपन की यादें होती हैं और दोस्त वही होता है जो बचपन का होता है क्या बात का दोस्त रेहान साहब प्यार से हम इन्हें हनी कहते हैं ये मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड है ये शख्स आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मजाक अपनी जगह और आपने मेरे बचपन के दोस्त से देख लिया होगा कि मजा बचपन से ही है इस शख्स ने बचपन से लेके आज तक आज भी जब मेरी जिंदगी की कोई बड़ी कामयाबी होती है ये मेरे साथ होता है तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ आई लव यू एंड जो मेरी और तुम्हारी बचपन की यादें हैं और बचपन में जो जो तुमने मेरा साथ दिया है मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा हमारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के मेहमान वो ये वो शख्स है जिसे सुर झुक कर मिलता है ये वो शख्स है जिसके लिए पूरे बरे सगीर के बाजे दुआएं करते हैं कि खुदा करे कि इसके हाथ एक लम्हे के लिए ही सही हमारे ऊपर पड़ जाए क्या बात सुर की इंतहा पाकिस्तान का नाम वहां वहां रोशन किया जहां बहुत बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे वो खिलाड़ी जिन्हें उनकी अरबों की आबादियां मानती और पूछती हैं वो शख्स इस शख्स के सामने अपना सर झुकाते रहे और कहते रहे कि सर जो आवाज जो सोज जो सुर जो अदायगी जो अल्फाज का हक आप अदा करते हैं ये अदा करना बड़े बड़े गुलूकारों के बस में नहीं और ना ही इतनी अता है जितनी आपके पास है पाकिस्तान का झंडा जिस मुल्क में लहराया वहां जितने भी झंडे थे उन झंडों में सबसे ऊपर झंडा इस शख्स की वजह से पाकिस्तान का नजर आया द प्राइड ऑफ पाकिस्तान द प्राइड ऑफ पाकिस्तान इन म्यूजिक द मैन ऑफ द मैन गुलाम अली साहब प्लीज सर दुनिया न्यूज की तरफ से हमारी इस पूरी की पूरी टीम की तरफ से हर उस आशिक की तरफ से जिसका दिल टूटा आंख से आंसू गिरा आपकी खूबसूरत गजलों ने उसे मां बनके अपनी झोली में समेटा ये
पूरे पाकिस्तान की तरफ से सर वेलकम टू मजाक रात। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तशरीफ तशरीफ रखिए सर। बहुत खुशी हुई आपको हशाश बशाश फ्रेश देखकर। आपके लिए दुआ गो हैं, मैं नहीं पूरा मुल्क पूरा पाकिस्तान आपके लिए दुआ करता है। और एक बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कई दिहाइयाँ गुजर गईं, आपने सबको लारा लगा रखा है कि हमको किसके गम ने मारा। ये कहानी फिर सही वो फिर आज आ गया सर, किसके गम ने मारा सर? वो कौन है सर? बस बताऊंगा आपको क्या बात सर। फिर भी इतना सोज आवाज में कैसे सर? गम तो गम होता है, गम वैसे ही सोज होता है। गम का मानी सोज होता है, सोज और सोज सुर के बगैर नहीं होता। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ। अरे सर सर, वो है फूल शबनम सबने मैं के प्याले बुलबुल, उससे अपनी लगी आज बुझाले बुलबुल। तो सर इज्जत माफ। सर आपने नहीं बताना कि किसके गम ने मारा। अच्छा इमरान भाई, इन्हां नूं किसे दा गम नहीं सी, इन्हां दे गम काफियां नूं सन। उसका चलिए आप अगर नहीं जवाब देना चाहते तो दो लाइनें इसकी सुना तो सकते हैं ना सर? सिर्फ दो लाइनें ये जरा हाँ करें करें जी जी करें बिल्कुल बिल्कुल करें। आगे हमको किसके ये कहानी, किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल ये कहानी फिर से। ये कहानी क्या मैंने इतना सुरीला शख्स जिसने पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजवाया माशाल्लाह, सिर्फ ये खुशकिस्मती यहां तक नहीं रही, इतनी बड़ी लेगेसी को लेकर चलना मेरा ख्याल है दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है। हमारे दूसरे मेहमान जिन्होंने ना सिर्फ इस लेगेसी का साथ दिया बल्कि जितना अपने बाप की इज्जत की, उनका ख्याल रखा और जितनी गाने में खुद मेहनत की और अपना नाम बनाया, उनके लिए 1.5 साल तालियां। जब अभी शो की शुरुआत से पहले वो मुझे मिले तो मैंने इनका एक गाना बहुत सुना है, बल्कि मैंने क्या पूरे पाकिस्तान ने बहुत सुना है, बहुत पसंद किया है। आ वंडरफुल ह्यूमन, आ वेरी सुरीला आर्टिस्ट, आ वेरी 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 गुड सन, जनाब आमिर साहब। फिर साढ़े कहते फिर साड़ी मर्जी का गाना गा के आओगे तो साडा दिल की हो जाएगा बड़ा बड़ा।